मैं हूँ ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। बिजनौर के स्थित कार्यालय पर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के विकास और शासन के सफलतम 8 वर्ष पूर्ण होने पर लाभार्थी सम्मान एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन यशस्वी जिलाध्यक्ष सुभाष बाल्मीकि की अध्यक्षता एवं संचालन जिला महामंत्री विवेक अड़काल जी के द्वारा किया गया, जिसमें अतिथि मुख्य वक्ता क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित पैनीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 वर्षों में भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है। भारत आत्मनिर्भरता की राह तेजी से अग्रसर हुआ, जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी है, जनता के लिए हर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बढ़ी हैं, किसानों और गरीबों की आय बढ़ी है, देश मुश्किलों में उभरकर जल्द खड़ा होना सीख गया। मोदी में सबका सरकार सबका विकास विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर कार्य कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों का परिणाम है कि आज देश विकास के पथ पर अग्रसर है और पूरे विश्व में भारत की प्रशंसा हो रही है। साथ ही बताया जाता है कि पिछले 8 वर्षों में देश की गरीबी 22% से घटकर 10% नीचे आ गई है। माननीय न्यायालय देगा, क्योंकि सांस्कृतिक धरोहर को लेकर के हमेशा से आम कार्यकर्ता के रूप में सभी के संबंध में विचार रहता ही रहा। तो ऐसे जो विवादित समस्याएं थी देश में दशकों से थी, इसको लेकर के कोई निर्णय प्रक्रिया रुकी हुई थी, उनको निर्णय करने के साथ साथ लागू करने के साथ साथ जब लोग कहते थे कि कश्मीर में धारा 370 हटेगी तो बहुत प्रलय आ जाएगी, तो सहजता के साथ सरलता के साथ देश की सुरक्षा की चिंता के साथ साथ इनको कानूनों को लागू करके देश में इन समस्याओं को समाधानों से मुक्ति मिली। सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत किया है इसका काम देश के अंदर को। देश में मूलभूत ढांचे यानी कि आवास, पानी, बिजली और उसके साथ साथ गैस कनेक्शन और शौचालय, इन 5 चीज़ों की उपलब्धता पूरे देश में हो, सबके लिए समान आगे बढ़ने के अवसर हों, और अंत में फिर एक बात के साथ कि समाज में सद्भाव भी हो और विकास की चाह भी हो राह भी हो, ऐसे देश के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास के काम 8 वर्षों में हुए और उसी विजन के साथ आने वाले समय में भी केंद्र सरकार काम करेगी। इतना ही विषय आप लोगों के बीच में रखना था। इस प्रेस विदेश निवेश और यहाँ पर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश के अंदर बढ़ा है वो भी अकल्पनीय है, और किस प्रकार से देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ एक नए मुकाम को हासिल करेगा, एक ऐसे टारगेट और ऑब्जेक्टिव लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश भी इस प्रकार से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ विकास की रफ्तार को तेज बढ़ाने में आगे संयुक्त रूप से साथ में मिलकर के केंद्र सरकार के साथ काम करेगी। आज देश के विकास को लेकर के देश के अंदर इन्वेस्टमेंट तभी आता है जब यहाँ पर एक अच्छी कानून व्यवस्था होती है, देश में एक अच्छा सुशासन होता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होना आवश्यक। कोई भी व्यापारी आता है वो सहजता सरलता व्यापार की जिस देश में होती है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जाता है। इसके साथ उन रक्षा के उपकरणों का भी निर्माण अब देश के अंदर होना प्रारंभ हुआ है। रक्षा के क्षेत्र में 3 ऐसी कंपनियाँ जो भारत की हैं जो कभी किसी सूची में आती नहीं थी, वह भी टॉप 100 की सूची में उनका नाम शामिल हुआ। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन मुद्रा योजना, तमाम ऐसी योजनाएँ जिनके माध्यम से देश को एक नई पहचान मिली है, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी जिस प्रकार से एक नई उपलब्धियाँ हासिल 100 से ज़्यादा सैटेलाइट बनाकर के नया रिकॉर्ड विश्व के अंदर देश ने बनाया है, सारे इशूज वहाँ पर बुदबुआ करते हैं। इसलिए लगभग 8 वर्षों के अंदर 5 बड़े समझौतों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर भी एक विकास का सूर्य उगाने का काम केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ है। इन्हीं कारणों से विश्व ने माननीय प्रधानमंत्री जी को 21 से ज़्यादा ऐसे सम्मान के लिए सम्मानों की श्रृंखला उनके नाम पर लगी है, जो नागरिक सर्वोच्च नागरिक सम्मान से लेकर के अन्य सम्मान पूरे विश्व के माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले। देश में अब तक 50 विधानसभा चुनाव 8 वर्षों में हुए और उन 50 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जो लंबे समय तक देश पर जिन्होंने राज किया वो मात्र 9 चुनावों के अलावा 41 विधानसभा चुनाव दवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम के विषय को अपने सांस्कृतिक और धरोहर को भी आगे बढ़ाने का काम किया है।
और देश के अंदर कैसा एक राजनीतिक दल और एक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कैसे उस सेवा भाव को आगे बढ़ाते हुए अनुशासित रूप में गरीब कल्याण के लिए काम कर सकती है, ये एक बहुत बड़ा विषय पिछले 8 वर्षों में खड़ा हुआ। आम लोगों के मन में भी यह बात आई कि हम देश की अखंडता के लिए, जैसे उदाहरण के रूप में कश्मीर भारत का अभिन्न बने, इसकी चर्चा होती रही, लेकिन कभी कोई निर्णय नहीं हुए, लोगों के मन में होता था कभी संभव नहीं है, लेकिन धारा 370 हटाई गई, मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए 3 तलाक को लेकर के संसद में कानून पारित हुआ, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के एक लंबे समय से जो लोग देश के अंदर नागरिक के रूप में रह रहे थे लेकिन नागरिकता उनको नहीं मिलती थी, CAA के बिल को लागू करने के साथ साथ देश के अंदर नागरिकता संशोधन कानून को लागू किया गया। जब 1994 से पहले 2014 से पहले देश के अंदर 1200-1300 हमले एक एक साल में हो जाते थे, कई हमले तो इतने गंभीर होते थे जो पूरे देश को हिला करके झकझोर करके रखते थे, उनमें आधे से ज़्यादा गिरावट 2014 के बाद 8 वर्षों के अंदर हुई। देश में एक आत्मनिर्भर भारत की कल्पना देने का काम हमें प्रधानमंत्री जी ने किया है, और वह आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है उसमें चाहे महिला सशक्तिकरण के माध्यम से 8 वर्षों में केंद्र सरकार के माध्यम से हुई है, और आगे का विजन भी ऐसा हो कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि स्वच्छता और शौचालय को लेकर भी देश में क्रांति आ सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर भी जो शौचालयों का निर्माण हुआ, कि गरीब व्यक्ति जो पहले शौच के लिए गांव से बाहर जाता था, महिलाएं जो बाहर जाती थी उनके घरों में शौचालय उपलब्ध हुए हैं, गंदगी से को दूर करते हुए बहुत सारी ऐसी बीमारी जो गंदगी से होती थी उनमें काफ़ी रोक हुई लगी है, और देश के अंदर ऐसे विषय जिनको कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक साइकिल रिक्शा वाला भी उसका भी जनधन खाता अकाउंट खुलेगा, ऐसी कल्पना को करते हुए एक नई क्रांति लाने का काम किया। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।